एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि सिद्धार्थ गौतम जब छोटे बच्चे थे, एक दिन वो बाहर बाग में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक हंस, उसके पेट में तीर लगा हुआ था, वो आके उनके सामने गिरा। हंस तड़प रहा था दर्द के मारे। उन्होंने हंस के पेट से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की, उसको थोड़ा सुकून मिला। इतने में सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि ये हंस मुझे वापस कर दो, ये मेरा हंस है, मैंने इसको तीर मार के गिराया है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, नहीं, मैंने इसको बचाया है, ये मेरा हंस है। दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के पास गए। राजा ने कहा, भाई दोनों भाइयों को दूर खड़ा कर दो और हंस को बीच में रख दो, जिस तरफ हंस जाएगा हंस उसी का। सो हंस को बीच में रखा गया और हंस सिद्धार्थ गौतम के पास गया, जिसने उन्हें बचाया था देवदत्त से, तो वो डर गया और हंस उसी का हो गया। तो तब से ये कहावत प्रचलित है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। आज दिल्ली के अंदर भी वही हालत है। एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज़ उनको तंग कर रहे हैं, रोज़ उनके काम रोक रहे हैं, रोज़ उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं, और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ दिल्ली के लोगों की। सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17,00,000 लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ, लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे, हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे।